सामान तो बहुत दिया विकराल ने, पर संस्कार की कमी रह गई। फिरंगियों की तरह ना फटाफट यहाँ से निकलो, नहीं तो वो हाल करूंगी कि मुंह दिखाती रह जाओगी लेकिन कोई देखना पसंद नहीं करेगा। भाभी ने का सबक सिखाया हूँ क्या इनको, उसकी तो बोलती बंद हो गई। उसने जो किया वो सही तरीका नहीं था। ये का है? क्या है? यही तो हमें जानना है कि इसमें का है। लंदन की दो टिकट्स, वो भी हाई। इमाला हम बनाया आपके लिए, आपको अच्छा लगा ना? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऐसी कोई हरकत हमें अच्छी लगेगी भी नहीं। आप ये सब मत किया कीजिए। लो, हमसे फिर से गलती हो गया। आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो अच्छी बात है। सृष्टि जी, अगर का तो कोई बात ही नहीं है, हम पक्का नहीं करेंगे। ये कानून की देवी तो सारा जीवन पढ़ाई में ही नष्ट किए। इसी से ही पूछ लेते हैं, इसका टेस्टिंग भी हो जाएगा। अभी ये गार्ड बांध लेंगे। अरे सुनो, अरे तुम ही सही बात कर रहे हैं ना, रुको थोड़ा। इसमें देखना जरा क्या लिखा है। कहा है कि अंग्रेजी में लिखा है ना, तो दिमाग में ज्यादा जोर नहीं डालना चाहते हो। देखिए कहा है, ऐसा टुकुर टुकुर का देख रही हो, देखो ना। ये लंदन का टिकट है तुम्हारे और अनुराग जी के लिए। लंदन का टिकट? भैया हमें गिफ्ट में लंदन का टिकट काहे दिए, समझे में नहीं आ रहा है हमें तो। देखो, ये तुम दोनों का हनीमून का टिकट है। हनीमून? अरे हमें तो लगा कि कुछ और है। हनीमून? अरे हनीमून का हम सब जानते हैं, हमें दो इधर। कहा है कि हमारी यहाँ परंपरा है कि सब जाते हैं हनीमून पे, इसलिए हम भी जा रहे हैं और तुम लोग भी जाओ हनीमून पे। लाइफ सेट कर दिए, हनीमून के बारे में तो हम सोचे ही नहीं थे। ये भैया का दिमाग पाया है यार, कितनी ऊंची चीज है। ये बाबूजी ना भैया का दिमाग कभी समझ नहीं पाए। ऐसा जुगाड़ लगाए कि अब हम उनको लेके जाएंगे लंदन, सात समुंदर पार। हाँ तो हमारे मिस्टर जी, आप तैयार हो जाइए हमारे साथ लंदन जाने के लिए। और मुझसे कुछ ऐसी उम्मीद करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, कभी नहीं। अब खुद ही तो शादी के बाद लंदन भागने को तैयार थे, अब हम साथ में चले जाएंगे तो कौन सी दिक्कत हो जाएगी, और अगर कोई दिक्कत भी होगी ना तो दूर कर देंगे उसको। रागिनी सिंह नाम है हमारा, मना के तो रहेंगे आपको, अब बस ये सोचना है कि मनाए कैसे। अरे भाई, आपके होने वाले दामाद जो हैं, वो विदेश में पढ़ते हैं, वही लंदन में कोई नौकरी उकरी करेंगे। देखिए, कुछ ही दिन की बात है, आपके दामाद और आपकी बेटी विदेश में रहेंगे।
ये समय भी क्या अजीब खेल खेलता है। पहले सपने दिखाता है और फिर उसे ऐसे राह पर लाकर छोड़ देता है जहां कुछ भी हो नहीं सकता। सृष्टि जी, हमको बहुत जोर से सवाल आ रहा है, पूछ लें। पूछिए, क्या पूछना है? ये हनीमून का आता है? क्यों, आपको इससे क्या मतलब? भाभी के पास टिकट था ना हनीमून का, तो हमारे पास काहे नहीं है? और ये होता का है? देखिए, जब दो लोगों की शादी होती है तो उसके बाद वो बाहर घूमने जाते हैं, उसी को हनीमून कहते हैं। अरे वाह, फिर तो हम भी घूमने जाएंगे, हमरा भी तो शादी हुआ है ना। हम पापा को कह के अभी टिकट मंगवा लेते हैं। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हमें कहीं घूमने नहीं जाना है और हमारी परीक्षा आने वाली है, हमें उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी है। हो सके तो हमें परेशान मत कीजिए। अब मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता। इन सब चक्रों में ऑलरेडी बहुत सारे दिन वेस्ट हो चुके हैं। आई हैव टू मेक माई करियर। अनुराग, क्या बात है बेटा, थोड़ा परेशान लग रहे हो तुम। पापा, मैं परेशान हूं। इस समय मैं अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगाना चाहता, अपना फ्यूचर अच्छे से बनाना चाहता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं करूं तो क्या करूं। मेरा सारा फोकस, हर चीज मुझे सब बर्बाद होते दिख रही है पापा, और कुछ नहीं। देखो, घर के हालात ठीक नहीं है और हम ये भी मानते हैं कि इन सब का तुम्हारे काम पे असर पड़ रहा है, लेकिन ये घर भी तो तुम्हारा ही है ना बेटा। मतलब अगर इसके हालात ठीक नहीं है या इसमें कोनो कमी है तो भी तुम ही देखना है। बाकी रागुनी बहुरिया के बारे में कहा बोले हम, देखो उसके संस्कार और परवरिश हम सबसे एकदम अलग हैं बेटा, और इसके लिए हम उसे दोषी भी नहीं मानते। कहे कि उसके घर वालों ने जैसा उसे सिखाया वो वैसा ही करती चली आई है। हमें लगता है कि अभी उसे सही और गलत की समझ नहीं है, पर आगे भी नहीं होगी ये सोचना गलत है। और जो भी हो, वो तुम्हारा पत्नी है, उसे समझाना या अपने संस्कारों के हिसाब से बदलना ही तुम्हारा जिम्मेदारी है बेटा। अबा, इस समय मेरी जिम्मेदारी मेरे फ्यूचर को बदलना है। किसी और को बदलने या सुधारने के लिए मैं अपना टाइम नहीं खराब कर सकता। और आप ही तो कहते हैं कि किसी को बदलने की शक्ति वक्त में होती है, ना कि हम में। पापा, कल मैं एक प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए हरिनगर जा रहा हूँ। आई होप मेरे साथ वहां पे कुछ अच्छा हो जाए। जरूर होगा बेटा। अनुराग बेटा, हरिनगर जा रहे हो का? ऐसा करो कि तुम रागिनी बहू को भी ना अपने साथ ले जाओ। माँ, मैं वहाँ घूमने घामने नहीं जा रहा, अपने एक बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। अच्छी बात है कि तुम अपना काम कर लेना, वो वहाँ घूम टहल लेगी। माँ, मैंने आपकी हर बात मानी ना, अब मुझे अपने काम पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करने दो ना। माँ, क्या प्रॉब्लम है?
ये आपका दूध और दवाई रख रहे हैं। बहुत भारी सामान है, ऐसा कहाँ है इसमें? आराम से आराम से। अरे हमारे बाबूजी कौनो हल्का सामान भेजेंगे का हमारे लिए, बताओ। होता है, भारी आदमी है तब सामान भी भारी है भेजेंगे। सब तो ठीक है बड़की भौजी, बाकी इनमें है का? इनमें ना हमारे बाबूजी जो है हमारे लिए महंगा वाला म्यूजिक सिस्टम भेजे हैं। अब इसमें ना हम कलेजा छीन देने वाला गाना बजाएंगे और वो गाना सुन के ना हमारे मिस्टर का दिल पसीजेगा, और जब दिल पसीजेगा तभी ना तैयार होंगे हनीमून के लिए। का हनीमून का तैयारी? ये तो बहुत अच्छा है। अरे हम तो तैयार ही बैठे हैं हनीमून में जाने के लिए, पर वो तैयार हुए तब ना, पर अकेले थोड़ी जाएंगे, कुछ चक्कर चलाना पड़ेगा उनको राजी करने के लिए। अरे भौजी ई में कहा है, यो बहुत भारी लग रहा है। अरे ई वो का कहते हैं, लॉट पैड, लॉट पैड है। भाभी लॉट पैड नहीं, लैपटॉप। अरे हाँ वही वो का है कि हमें नाम याद नहीं रहता है। हाँ ये तो वह पढ़ने लिखने वाला मशीन है ना, हम देखे हैं छोटकी भौजी के पास। हाँ वो काम करती है इसमें। तुम छोटकी भौजी के पास देख ली, हमारे मिस्टर के पास नहीं देखी? ना कहा है कि हमारे दिमागे से निकल गया, हम देखे हैं अनुराग बबुआ को एक पर काम करते हुए। बाकी बड़की भौजी तुम क्या करोगी इसका? अरे ये हमारे इस्तेमाल का चीज नहीं है, इसका इस्तेमाल तो हमारे मिस्टर ही करेंगे। चलिए ये सब सेट करते हैं। हाँ चलो। अच्छा लग रहा है। भाभी ये सब आप अलमारी में रख। अब बजेगा इसमें लल्लन टाप गाना और हमारे मिस्टर बनेंगे दीवाना। हमको तो बड़की भौजी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हमारे बाबूजी तो शादी में जापानी रेडियो दिए थे उनको, अब उहो लेके वो बंबई नहीं गए। हाँ तो ठीक तो किए, अब वो आएंगे रेडियो लेने और आपको साथ लेके जाएंगे। क्या बात बोली हो बड़की भौजी, तुम्हारे मुंह में तो घी या गुड़। हाँ अभी सब जो है ना हमें बाद में खिलाना, अभी हमें अकेला छोड़ दो। अभी हम अपने मिस्टर के इंतजार में ना तनिक मूड बनाएंगे। अब चलो 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 चलो। हाँ चलो दिव्या। आज तो हम अपने राजा बाबू की करिश्मा बन के ही रहे, हमारी भी जोड़ी हमारे मनपसंद गोविंदा और करिश्मा जैसी सुपरहिट होगी। अब हमें सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, कैसे भी करके ये फाइनल एग्जाम अच्छे से पास करने हैं। श्रीजी जी जल्दी 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 पकड़े पकड़े पकड़े। रहने दीजिए आप, किसने कहा आपको ये सब करने को? हाँ शांति से बैठा नहीं जाता आपसे। जब अनुराग भैया पढ़ाई किया करते थे ना, तब माँ और काकी उनके लिए ऐसे ही दूध लाके देती थी जिससे उनका दिमाग तेज हुआ और फिर वो लंदन चले गए। हमको लगा कि आप भी इतना पढ़ाई कर रही हैं तो आपको भी दूध का जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम अपने साथ साथ आपके लिए भी दूध ले आए, लेकिन हमसे फिर से गलती हो गया। हाथ जला तो नहीं? देखिए हमें आपका ये सब करना पसंद नहीं है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं ना। हम तो इसलिए किए थे
ताकि आपको पढ़ाई करने में परेशानी ना हो। आप दूध पी के अच्छे से पास हो जाइएगा और हाँ, दिव्या की तरह फेल मत होइएगा, नहीं तो हमारा नाक कट जाएगा। लोग कहेंगे कि बहन तो फेल होती थी, अब बीवी भी फेल हो गई। आप भी पी लीजिए। हम आपके लिए अंग्रेजी मैक्सी पहन के खड़े हैं और आपके सर पे नींद सवार। आज हम आपका नींद उड़ा कर ही रहेंगे। क्या समझते हैं आप हमको? हाँ, प्रोग्राम हो रहा है, तब आप भी ऐसा ही कोई प्रोग्राम कीजिए छोटकी भौजी के साथ।